देखते हैं, कागजी पट्टी की चक्री बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमें इसके लिए चाहिए रंगीन कागज़ की पट्टियाँ, एक तीली और एक पेंसिल। देखते हैं इस चक्री को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें कागज़ की रंगीन पट्टियाँ काट कर लेनी है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से। अब इन पट्टियों को दरमियान से फोल्ड कर देना है, तय कर देना है इस तरह से, और तीनों पट्टियों पर एक सिरे पर पेंसिल से निशान बना देना है। अब एक पट्टी को दूसरी पट्टी में इस तरह से फिक्स कर देना है। आपकी पट्टियाँ कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तीसरी पट्टी को पहली पट्टी की दूसरी तरफ से इस तरह से फिक्स कर देना है। इस तरह आपकी तीनों पट्टियाँ एक दूसरे में फिक्स हो जाएंगी। अब आपने इनके तीनों सिरों को हाथों की मदद से थोड़ा सा खींचना है, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से, और दरमियान में से उसे दबा देना है। इस तरह से आपकी ये चक्री तैयार हुई। अब दरमियान में एक तीली लगा देना है इस तरह से, और ये देखिए आपकी कागजी पट्टी की चक्री किस तरह से तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल किस तरह से ये पट्टी की चक्री घूम रही है। तो है ना आसान ये चक्री। आपको भी क्या करना है, इस तरह की चक्री घर पर बनानी है।